भैया उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आया हुआ है, चुनाव में जीतने के लिए सारी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तमाम लोग वोट की चाह में अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पूरा शहर जो है वो होर्डिंगों से पटा हुआ है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है और कोई पंजा और कोई हाथी दिखा रहा है, अब की बार तो झाड़ू भी आ गई है। तमाम लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि उस सरकार की बनाए जा रहे हैं। कैमरा बाबू आइए। आज हम आपको सीतापुर विधानसभा का हाल बता रहे हैं और यहाँ के लोग की सरकार बनाए जा रहे हैं ये भी बताने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं पूछ लेते हैं के भैया का नाम है? मुकेश कुमार मिश्रा। मुकेश जी जी, चुनाव आएगा हम भैया भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, देख लो ठीक है, हम नहीं जितेबा मोदी जी का बस। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के आदमी हो? अच्छा अच्छा, ये साइकिल वाले नहीं, साइकिल नहीं, हाथी के बारे में क्या सोचो? अच्छा झाड़ू अभी तो आए गई है यार, झाड़ू दिल्ली में रखा है, यहाँ कुछ नहीं, बिजली फ्री देने के बाद ना, वो अपने वहाँ बिजली फ्री रखे हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ यहाँ की केवल योगी जी, देखो खाली योगी, 100% खाली योगी जी की सरकार यहाँ पे बनी है। लोग और लोग हैं पूछ लेते हैं। भैया मेरा नाम शिवम है। चुनाव आएगा है? हाँ। चुनाव को लेकर के क्या सोचे? सोचा तो यही है कि अब जब इतने लोग मैदान में, मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको वोट दूँ। अरे कंफ्यूजन की समस्या आखिर कहाँ आ गई? अरे कंफ्यूजन की समस्या इसलिए आ गई क्योंकि कोई भी, जैसे हम लोगों का प्रमुख मुद्दा ये है कि रोजगार का है और उस पर चाहे झाड़ू है या फिर साइकिल है या फिर कमल का फूल है, इससे कुछ हमको लग नहीं रहा कि हो पाएगा। कैमरा बाबू नजदीक आ जा। भैया देखो काका, योगी जी तो कहा था कि 4 लाख नौकरी दे दी और तुम कहा था भैया कि नौकरी नहीं मिली। अरे नहीं, हम इसीलिए कह रहे, हमको नहीं मिली तो हम कह रहे नहीं मिली, एक बार फार्म डाले थे उसमें दोबारा से कुछ आए नहीं। अच्छा तो साइकिल वाले तो कहा था कि हम दिया रहे नौकरी? नहीं, साइकिल वाले कहे तो ऐसे केजरीवाल भी रहे, तुम्हारे दवा दारू के इंतजाम कर दिया, लेकिन कहाँ आज तक कहीं मिल रही है। तो कहा दवा चाहिए रहा कि दारू? अरे नहीं चाहिए तो नहीं रहे, लेकिन अब वो कहे थे लेकिन क्या किए? नहीं किए। दवा सुनने पे कुछ नहीं, कौन बात की तकलीफ, दवा नहीं मिली कि दारू? नहीं हमको तो दोनों चीजें नहीं मिली। तो यह है भैया, इनका दवा और दारू नहीं मिली। तमाम लोग हैं यहाँ पे खड़े, उनसे पूछ लेते हैं। एक भैया है जो गाली में मुस्कुराए रहे। क्या नाम भैया? मोहम्मद नदीम। नदीम जी ये बताओ जी, की सरकार बनाई हो? अखिलेश की बनाएंगे। अखिलेश की बनाएंगे? योगी जी को में क्या कमी आई? योगी जी में पूरी कमी है, कमी तो बताइए, बहुत ही कमी है। अभी देखिए पर्चा ही लीक करवा दिए, उसमें कितने स्टूडेंट रह गए हैं। तो जो पर्चा लीक करी उनका कार्रवाई भी तो करने की बात कर रहे हैं। अरे वो तो सब अफवाह है, कार्रवाई कहाँ हुई है जब उनका ही बनावा हुआ सब खेल है। योगी जी बनावा है सब, योगी जी का बनावा। तो सर की बनाए रहे हो अपनी बात? सरकार बनी है अखिलेश ही करी, अखिलेश ही करी बनी है, पक्का तय कर लिया। लाख कर दिया जाए? लाख कर दो यहीं पर। अच्छा विधानसभा में राधे श्याम जायसवाल। राधे, अरे तुम बताए थे सीतापुर विधानसभा से राधे श्याम जायसवाल, अब की बात तो भाजपा छोड़ राकेश राठौर भी आए गए। हाँ तो राकेश राठौर उम्मीद है का, राधे श्याम जायसवाल या राठौर? राकेश राठौर का दूसरी सीट मिली है कहीं से? कहाँ? सीतापुर से नहीं गए हैं? सीतापुर से तय, वो तो कैपास कर रहे हैं हमका मिल जावे, वो पहले से तय है, यहाँ से राधेन का मिली है। अंदर की बात कैसे पता हुई? वो सब पुराने हैं, सब कार्यकर्ता सपा के हम लोग। और ना देखो भैया पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ और लोग हैं पूछ रहे थे। कहाँ नाम भैया? सलीम सिद्दीकी। सलीम सिद्दीकी। सलीम जी ये बताओ चुनाव के लेकर क्या सोचे? चुनाव होएंगे, वोट दिया जाएगा। किसका दे हो वोट? अखिलेश। अखिलेश साइकिल बहुत तेज चली लेकिन आप तो मोटरसाइकिल चलाते। हाँ एक एक वो शेर सुना है आपने? हाँ, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो भैया देखो शायर हो गए बता रहे हैं, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, कुछ और लोग हैं। भैया जी मास्क लगाए हो जी, कोरोना वापस आएगा ओमिक्रॉन? अच्छा ये बताओ चुनाव के लेकर क्या सोचो? चुनाव जो पार्टी हम लोग के स्टूडेंट्स को लेके अच्छे डिसीजन लेगी, हम लोग उसी को वोट देना पसंद करेंगे। अभी योगी जी तो बहुत काम करने के बाद कह रहे हैं, बट वो भी लास्ट मोमेंट पे दे रहे हैं ना। अब तक तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ ना। अभी देखिए पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, ये भी तो आप सोचिए कि हम लोग मेहनत करते हैं साल भर, 5 साल इतनी मेहनत करते हैं, फिर आखिरी में पेपर जाके वहाँ पेपर लीक हो रहा है, तो स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही है ये भी तो सोचना चाहिए। वो तो कहना है कि जो गलत करी से पर्चा लीक करी से हो गए, तो
पहले उसके क्यों नहीं रोक पाए, बाद में उसकी प्रोसेस, वो तो सरकार अगर आपकी गवर्नमेंट अगर रूलिंग पावर में है तो आप उस पर अगर कोई पेपर हो रहा है तो आप उसको पहले रोकिए ना, ऐसा मौका क्यों आने दीजिए कि यहाँ पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, सरकार की अच्छी हाथी की, साइकिल की, कि झाड़ू की, कि पंजा की, कि फूल की, सरकार अगर आप देखें तो सब एक ही जैसी हैं, बट अगर किसी में अगर सच्चाई है तो हाँ अब लहर ऐसी लग रही है कि हाँ साइकिल आने वाली है। देखो भैया बताना है कि लहर लग रही है कि साइकिल आ रही है, कुछ और लोग हैं पूछ लेते हैं। का नाम भैया? प्रदीप तिवारी। प्रदीप जी क्या कर रहे हो? मैं यही चौकीदारी करता हूँ। चौकीदारी करते हो? हाँ जी। तो प्रधानमंत्री भी चौकीदार हैं? और क्या। तो ये बताओ की का जीता रहे हम? जो है वो जो जीतेगा वही है, मतलब जो जीतेगा हमने वोट दिया है। वही जो जिसकी लहर चलेगी उसी को। तो लहर की चली है, साइकिल की चली है, कि हाथी की चली है, कि फूल की चली है? लहर तो साइकिल की चल रही। साइकिल चली है? हाँ जी। फूल? फूल है, वो फूल है, लेकिन ये योगी जी काम करी नहीं तो क्या हुआ? योगी काम कहीं है तो उतना थोड़ो कहीं नहीं, उतना नहीं, गरीबों के लिए क्या बना? कुछ नहीं बना। राशन दे रहे हैं यार सबका फ्री में। राशन किसके लिए है? अमीरों के लिए है, गरीब तो कोई पाया ही ना। गरीबों को राशन नहीं मिला? गरीबों का क्या है? आया बता रहे हो, वो तो कहा हम सबका राशन दे रहे तो वो कहा देखने जाते हैं गरीबों को मिल रहा है तो राशन नहीं मिल पा रहा। कहाँ मिल रहा है? देखो भैया राशन नहीं मिल रहा, योगी जी देख लो समस्या है लोगों की। भैया का नाम आपका? राम नरेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी क्या करते हैं? हम भैया है मेडिकल लाइन का। अच्छा मेडिकल लाइन का काम कर रहे। 2022 का चुनाव हो रहा, सब कहीं हम जीते, आप बताओ कौन जीते? योगी जी के अलावा कौन हो? लहर है, लहर है, लहर। योगी जी आपके बाद फिर से सरकार? योगी जी के फिर से सरकार। अच्छा बताओ, सबकी जमानत जब्त हुई? जमानत जब्त हुई, लोग जो है मुंह दिखावा लेना रही हैं। अच्छा दिल्ली से? हाँ दिल्ली से आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी आपकी बार आए हैं। केजरीवाल की बात अलग है, हम यूपी की बात कर रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं आपकी बार, तैयार हो गए? केजरीवाल यहाँ मतलब निगेटिव कुछ नहीं, निगेटिव। लड़ाई किससे है, किसके किसकी है? कोई के है ना उनके, कोई टक्कर में ना है, लड़ाई कैसी है यार? ले भाई साहब साफ बता दें, योगी जी के अलावा कौन टक्कर मना है? आए, उनके अलावा कोई जितने ना है, कुछ और लोग हैं पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है? राजीव त्रिपाठी। राजीव जी क्या कर रहे हो? बिजनेस। बिजनेस सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? योगी। योगी साइकिल वाइकिल के बारे में क्या सोचे? साइकिल वाइकिल कुछ नहीं है नहीं। अच्छा ऐसा कहा योगी जी बढ़िया करी नहीं जो बिल्कुल मन मतलब भाए गए? सभी काम बढ़िया किए हैं, क्या खराब किया आप बताइए? अरे हमको आप हमको 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 तो हमको क्या किया? चाचा है एक, वो बताना चाह रहे योगी जी का क्या किया? योगी जी ने क्या किया? उनके न घर है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, जो है सब समाज है उनकी, जो है जो कुछ है उनका समाज है, समाज के लिए वो कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं, तो देश के लिए ऐसे होना चाहिए ना, चोरों की क्या जरूरत? लोग हैं यहाँ पे सपा के भी समर्थक हैं और भाजपा के भी समर्थक हैं, कुछ और लोग हैं, एक साइकिल वाले भैया जा रहे हैं। भैया घनश्याम। श्याम हाँ ये बताओ क्या कर रहे हो? काम कर मजूरी मजूरी करत हो? यो बताओ की का वोट दे हो आपकी बात? योगी जी का? योगी जी का। लेकिन चलत तो तुम साइकिल से हो यार? साइकिल से नहीं चलते, अखिलेश का संगतदारी ना जी, साइकिल लेके चल रहे यार, अपने हाथ खरीदे हैं। अच्छा अपने आप खरीदे हो? हाँ। वोट योगी जी पे है। वोट योगी जी पे। योगी कोई समस्या तो ना है आपकी बार? आवाज मिली है तो आपकी बार भाजपा की सरकार? तो भैया देखो सब तैयार है, छोटे वाले बच्चा में काना। भैया तुम्हारा? गोलू। गोलू कहाँ रहा तुम? बलदे बस। अच्छा यो बताओ कौन जीती आपकी बार? योगी। योगी अरे यहाँ तो बच्चा बच्चा बता रहा है, योगी योगी जी में दम है, बाकी लग रहा है कम है, लेकिन आने वाले चुनाव में लोग तैयार हैं वोट देने के लिए। और कुछ और लोग हैं पूछ लेते हैं। काना भैया? बबलू भाई। बबलू भाई कहाँ कर रहे हो? बस मेरी फर्नीचर दुकान है। फर्नीचर की दुकान है? किसकी सरकार बनवा रहे हो? बस योगी जी की। योगी जी काहे योगी जी काहे इतना दिल का भाई गए हैं यार? काम बढ़िया है। कौन सा काम बढ़िया है? अरे बहुत से काम बढ़िया है, कुछ गलत है तो कुछ बढ़िया। गलत कौन से पहले? अरे कुछ गलत है तो कुछ बढ़िया भी। गलत तो बताए दो पहले ना। गलत यार यही है कि हम लोग का धंधा नहीं चल रहा और का है। योगी जी का रोके है का? यार काहे ना रोके है यार, हर तरफ से जो है बढ़ोतरी है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब महंगा। वो तो कहा ना कि वो विदेश में कच्चे माल के दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ा दिया जाए। कुछ नहीं बढ़ाते यार, सब यही बढ़ाते हैं, सब यही बढ़ाते हैं। देखो सब लोग तैयार हैं, वो
योगी जी का वोट देख ले, लेकिन भैया पेट्रोल महंगा है। युवा तो हम कही थे भैया पेट्रोल महंगा है, चुनाव के समय वो आगे पूरा कर ले। अच्छा आगे बढ़ाए दे, तमाम लोग हैं यहाँ पे तैयार हैं, चुनावी जनसभा चल रही है, लोग तैयार हैं यहाँ पे तमाम भीड़। हम सीतापुर के जिला अस्पताल चौराहे पे खड़े हैं। चाचा एक जा रहे, चाचा क्या नाम है? मनोज। मनोज, मनोज वोट की का देखो, वोट अभी पता नहीं कुछ है। अच्छा अभी बताइयो ना। नहीं पता नहीं अभी किसको देना। आप बताइयो, सही आदमी देंगे। सही आदमी कौन? अच्छा सरकार की बनी योगी जी, अखिलेश जी, माया। अभी कुछ कह नहीं सकते अभी कुछ। अभी नहीं कहेंगे तो आखिरी में मन बनाए के देखो चाचा जी वोट दे हैं। तमाम लोग हैं, उनसे पूछ लेते भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनित अग्नोत्री है भाई साहब। बताइए चुनाव आए गए हैं? हाँ सब बजा रहे, हम जीतेंगे। आप बताओ कि जो कर्म करेगा वही जीतेगा। ये कर्म कौन कर रहा? कर्म जो भी करे। अच्छा यो पार्टियाँ आती हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। अच्छा योगी जी की अखिलेश? अब योगी अखिलेश में तो अपना बाबा ही सबसे बढ़िया है। अच्छा बाबा बढ़िया है, बस बाबा जो। अरे जय हो बीजेपी की जय हो। ये देखिए बीजेपी की जय बता रहे हैं। तो चुनावी महामंच जारी है, जहां नेता लगे हैं पूरी तैयारी में, वैसे जनता भी अपना मन मना रही है। सीतापुर से मैं गौरव शर्मा।